गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 3 ऑफ जीके, दैट इज एनवायरनमेंट। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, इन इकोलॉजी वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउ प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सन एंड हाउ एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, हाउ प्लांट्स मेक देयर एनर्जी एंड हाउ एनिमल्स एब्जॉर्ब दिस एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स। सो दिस थिंग्स आर स्टडीड इन इकोलॉजी। देन सेकेंड क्वेश्चन इज द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन एनर्जी बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक वाटर एंड सन सनलाइट एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड शुगर। ओके, सो विच सेक्टर इज द सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? सो स्टूडेंट्स, सेक्टर विच इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज एग्रीकल्चर। इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ वाटर। लेट मी शो यू इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दैट इन आवर कंट्री सरफेस इरीगेशन इज यूज्ड। इन सरफेस इरीगेशन वाटर इज सप्लाइड टू द सरफेस, एंड इन अदर कंट्रीज इन डेवलप्ड इन आवर कंट्रीज यू कैन सी दैट दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। ओके, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड यूजिंग पम्प्स एंड दिस वाटर इज देन सप्लाइड टू द सरफेस। ओके, एंड लॉट्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेज। इन अदर कंट्रीज वाटर इज सप्लाइड टू द प्लांट यूजिंग स्प्रिंकलर्स, दिस आर कॉल्ड। दिस आर कॉल्ड स्प्रिंकलर। ओके, सो दिस सप्लाइज वाटर इन लेस फॉर्म, एंड हियर वाटर इज वेस्टेज इन लेस अमाउंट। एंड हियर यू कैन सी दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इजराइल वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम दिस थिंग्स टू रूट्स। ओके, वाटर इज सप्लाइड टू रूट्स इन ड्रॉप फॉर्म्स। इन ड्रॉप फॉर्म्स वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू रूट, सो वाटर इज वेस्टेज हियर इन लेस क्वान्टिटी, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन टू प्लांट क्रॉप्स। बट अवर कंट्री यू कैन सी दैट हियर लॉट्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेज। हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ वाटर गेट्स वेस्टेज इन अवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया? सो लेट मी फर्स्ट टेल यू वाट इज डेजर्ट। डेजर्ट इज अ प्लेस विच इज वेरी एक्सट्रीम, वेयर वेदर इज वेरी एक्सट्रीम, और देयर आइदर देर इज एक्सट्रीम हॉट और देर इज एक्सट्रीम कोल्डनेस। इन बोथ द कंडीशन वेजिटेशन इज नॉट पॉसिबल, देयर इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स, ग्रो ट्रीज, और पॉसिबल इन वेरी लेस क्वान्टिटी। सो इन हॉट प्लेसेज इन अवर हॉटेस्ट प्लेस इन अवर कंट्री इज राजस्थान, एंड इन कोल्ड प्लेसेस इन कंट्री इज जम्मू कश्मीर। सो इन जम्मू कश्मीर यू विल फाइंड द कोल्ड डेजर्ट। हियर यू कैन सी दैट इट इज कोल्ड डेजर्ट। ओके, हियर हाउ विल यू ग्रो प्लांट्स? हियर डू विल यू ग्रो प्लांट्स हियर लाइक दैट, और यू विल ग्रो प्लांट्स हियर लाइक दैट? सो हियर देर इज नो प्रॉपर सॉइल, हियर ओनली रॉक्स आर देयर, ओनली ग्लेशियर्स आइस आर देयर, सो हाउ विल यू ग्रो प्लांट्स? हियर ग्रोइंग प्लांट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज दैट इज कॉल्ड बायोस्फियर। ओके, सो लेट मी टेल यू वाट इज बायोस्फियर। सो सपोज वी हैव लैंड। ओके, वी हैव लैंड, दिस इज कॉल्ड लिथोस्फियर। सपोज वी हैव ओशियंस, मीन्स
वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, दे आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. एंड सपोज हियर वी हैव, व्हाट वी हैव हियर, एटमोस्फियर. ओके, मीन्स देयर देयर एयर इज प्रेजेंट देयर. ओके, सो व्हेन यू कंबाइन ऑल दिस थिंग्स, व्हेन यू कंबाइन लैंड, व्हेन यू कंबाइन वाटर, व्हेन यू कंबाइन लैंड वाटर मीन्स हाइड्रोस्फियर, देन व्हेन यू कंबाइन एटमोस्फियर, देन यू गेट लाइफ. ओके, लाइफ स्टूडेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट लैंड लिथोस्फियर, नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर मीन्स हाइड्रोस्फियर, विदाउट एयर. सो दिस लार्जेस्ट बॉडी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस थ्री थिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बायोस्फियर. ओके, दिस थिंग इज बायोस्फियर. नेक्स्ट, सो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज बायोस्फियर, एंड इनसाइड बायोस्फियर देर इज प्रेजेंट बायो. सो सपोज वी हैव हियर, इट इज बायोस्फियर. ओके, सो व्हाट इज बायो, सपोज वी हैव हियर फॉरेस्ट. ओके, एंड सपोज वी हैव हियर टुंड्रा वेजिटेशन मीन्स हियर फॉरेस्ट मीन्स प्लांट्स आर प्रेजेंट इन हियर लार्ज क्वांटिटी, हियर प्लांट्स आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी. सिमिलरली हियर यू कैन सी दैट डेजर्ट आर प्रेजेंट, यू नो लाइफ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डेजर्ट, लाइफ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, लाइफ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टुंड्रा बायोम मीन्स वेयर देर इज सो मच कोल्डनेस. ओके, सो डिफरेंट, देन वी डिवाइड दिस बायोस्फियर इंटू डिफरेंट रीजन्स, दैट इज कॉल्ड बायोम. ओके, देन वी हैव वॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो लेट मी टेल यू आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वॉज इकोलॉजी, सेकेंड क्वेश्चन आंसर वॉज प्रोड्यूसर, थर्ड क्वेश्चन आंसर वॉज एग्रीकल्चर, फोर्थ क्वेश्चन आंसर वॉज जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आंसर वॉज बायोस्फियर, बायोस्फियर देन इनसाइड बायोस्फियर देर इज बायोम मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस वेयर लाइफ इज पॉसिबल लाइक फॉरेस्ट, लाइक यू नो डेजर्ट. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन टू यूज. स्टूडेंट इन अवर वर्ल्ड, यू नो इन अवर वर्ल्ड 70% इज वाटर. ओके, 70% इज वाटर, बट फ्रॉम दिस 70% वाटर ओनली 1% वाटर ह्यूमन कैन यूज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज साल्टी. ओके, दे कंटेन सॉल्ट, सो ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन टू यूज. लेट मी शो यू इन दिस डायग्राम, हियर यू कैन सी दैट हियर वी हैव वर्ल्ड. ओके, वी हैव वर्ल्ड और इन दिस वर्ल्ड 70% ऑफ वाट 70% इज वाट, 70% अमाउंट कंसिस्ट ऑफ वाटर. ओके, अदर थिंग्स आर लैंड. दिस परसेंट दिस 30% इज लैंड. ओके, एंड दिस 70% इज वाटर, बट फ्रॉम दिस 70% 97% आर वाट, 97% आर ओशियन. ओनली 3% इज फ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर मीन्स विच डज नॉट कंटेन सॉल्ट. ओके, डज नॉट कंटेन सॉल्ट, डज नॉट कंटेन सॉल्ट. सो 3% ऑफ दिस वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश वाटर, एंड दिस फ्रेश वाटर इज कंटेन्ड इन ग्लेशियर्स मीन्स ग्लेशियर, यू नो दैट सपोज यू हैव वर्ल्ड. ओके, सपोज यू हैव वर्ल्ड, सो इन नॉर्थ साइड इन साउथ साइड यू हैव बिग बिग आइस फॉर्म, द बिग आइस फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट,
they are called glaciers. Okay, then you have ground water. Ground water means water that is present beneath the earth. Okay, suppose we live here and beneath this there is water. Water beneath our land. This water is called ground water. Then we have lakes. Then what? Then we have rivers. Then we have soil moisture. So only 1% water human can use. Okay. And world contain 70% water, 30% land. From this 70%, 97% are in ocean, cannot be used. Only 1% human can use. Okay. So our answer is 1%. Then acid rain occurs when atmosphere is heavily polluted with SO2 and NO2. SO2 is called sulfur dioxide and NO2 is called nitrogen dioxide. These are both polluted gases. Okay. They cause pollution in world. They are bad for our human health, bad for environment. So okay, students, next last question is, soil erosion can be prevented by, what is soil erosion? Soil erosion is the process by which nutrition of soil gets degraded. Okay, we have soil like that. We have land, then we have soil. Okay, here what? Here plants are grown. Here plants are grown, and this is called soil. But erosion is process whereby this soil's nutrition gets eroded. Okay, eroded. So how to increase the soil's capacity, soil's nutrition? By planting trees. So the process of planting forest, process of planting trees is called what? Is called afforestation. Okay, so by this way you can increase the soil's capacity and you can prevent the soil erosion. When you plant trees, okay, when you plant trees, it binds soil. It binds soil. Let me show you here. Suppose you have land here, and when the air will come, okay, when the air will come, this land will become like this. Okay, here soil will get accumulated, and this topsoil, okay, this topsoil contains nutrition, and when this soil, topsoil will get eroded, or this topsoil will go in ocean or river, this cannot be used. Okay, but when you plant trees, this plant roots, okay, this plant roots bind soil. This plant roots bind soil. So suppose now the wind comes, okay, suppose this is wind. Now this wind come, now your soil will not go from there. Okay, this plant roots will keep there. So this way plant prevents soil erosion. This is called afforestation. Okay students, so I am telling you again answers. Here answer is SO2, here 1%, here biosphere, here Jammu and Kashmir, here agriculture, here producer is the answer, and here ecology is the answer.